ओके एज अ बिगिनर मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी इस चीज़ में। मैं भी मतलब थोड़ा आ जाता था इन चीज़ों में, बट मैंने कभी पैसे स्पेंड नहीं किए क्योंकि मेरे पास इतने होते नहीं थे एक्स्ट्रा कि प्रोजेक्ट पे फोकस करें या सर्टिफिकेशन पे। ऑनलाइन बहुत लोग हैं बेचने वाले कि हमारा कोर्स कर लो, सर्टिफिकेट भी मिलेगा इसके साथ, रिज्यूमे में डालना सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं होता उससे। प्रोजेक्ट्स करो, प्रोजेक्ट से ही होता है। एक रियल, तो मैं स्टोरी बताता हूँ, रियल है ठीक है, तुम खुद गेस कर लेना क्या वैल्यू है सर्टिफिकेट्स की। मेरे एक नॉन में है, उसके पास मर्न का फुल स्टैक का सर्टिफिकेट है, उसे फॉर लूप नहीं आती ढंग से लगानी। तो अब तुम सोच लो भाई सर्टिफिकेट की वैल्यू क्यों ही होगी, जिसे फॉर लूप चलानी नहीं आती उसके पास भी सर्टिफिकेट है। तो सर्टिफिकेट्स की वैल्यू नहीं है, प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, खुद को प्रेजेंट करो, उन्हीं चीज़ों की वैल्यू है, ये सर्टिफिकेट्स की नहीं होती। बाकी रही क्लाउड कंप्यूटिंग की बात, उसमें मैं ज़्यादा इतना डीपली कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, बट वॉट आई थिंक इज उसमें भी प्रोजेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है सर्टिफिकेट से। अब AWS का वो जो सर्टिफिकेट होता है ना, ऑनलाइन अच्छे खासे पैसे लगते हैं, फीस लगती है उसमें, उसकी आई थिंक फिर भी वैल्यू है। बट उसमें भी अगर तुम प्रोजेक्ट कर लोगे तो तुम्हारा फ्री में काम हो जाएगा, और आई थिंक वो सर्टिफिकेट से ज़्यादा ही अच्छा होगा। ऑल सेट।